हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर है कि खरगोश पानी पीता है या फिर नहीं पीता। अगर खरगोश पानी नहीं पीता है तो वो क्यों पानी नहीं पी रहा है, क्या कारण है जो खरगोश पानी नहीं पी रहा है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि खरगोश पानी पीता है या नहीं पीता। तो इसका सही जवाब है कि हाँ, खरगोश पानी पीता है। और फ्रेंड्स, दूसरा सवाल है कि क्या खरगोश भी बाकी दूसरे पेट की तरह पानी पीता है, या आपका खरगोश बहुत कम पानी क्यों पीता है। इसका जवाब है कि खरगोश भी बाकी दूसरे पेट की तरह ही पानी पीते हैं, लेकिन ये पानी कम मात्रा में पीते हैं, कम क्वांटिटी में पीते हैं। इसका कारण ये है कि खरगोश की बॉडी को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। खरगोश की बॉडी को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, इसी वजह से खरगोश कम पानी पीते हैं। खरगोश को एक दिन में केवल 350 350 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। और जो खरगोश खाना खाता है उस खाने से भी खरगोश की बॉडी को पानी की जो उसकी जरूरत होती है वो उसे जो जरूरत पूरी हो जाती है। जैसे वो घास खाता है, सब्जियां खाता है, हरे पत्ते वगैरह खाता है, इन चीजों से उसकी बॉडी को पानी बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये एक वजह है कि जिस वजह से खरगोश कम पानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा सवाल ये है कि अगर खरगोश पानी पीते हैं तो आपका खरगोश क्यों पानी नहीं पी रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपका खरगोश पानी नहीं पी रहा है तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपके खरगोश के लिए माहौल का बदलना। खरगोश माहौल बदलना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आपने का अपना घर चेंज किया है, या फिर अपने बनी का अपने खरगोश का रूम वगैरह चेंज किया है, या फिर आप अपने रैबिट को नया नया घर लेकर नए नए घर पर लेकर आए हैं, तो माहौल बदलने की वजह से भी आपका खरगोश पानी पीना छोड़ सकता है। तो और दूसरा कारण होता है मौसम का बदलना। खरगोश की बॉडी को खाने के साथ ही पानी मिल जाता है, जिस वजह से सर्दियों के मौसम में खरगोश या तो पानी पीना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ही कम पानी पीते हैं, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हम लोग भी कम पानी पीते हैं, तो बल्कि हम लोगों की बॉडी को तो वैसे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो खरगोश की बॉडी को ऑलरेडी नेचुरल कारण की वजह से पानी की कम ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से, और सर्दियों में तो और ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। जिस तरह सर्दियों में हम भी कम पानी पीते हैं, बाकी और सभी एनिमल्स भी कम पानी पीते हैं, तो खरगोश भी सर्दियों में बहुत कम पानी पीता है, या फिर लगभग ना के बराबर पानी पीता है। तीसरा कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह हो सकता है जिसकी वजह से आपका खरगोश पानी नहीं पी रहा है। ज़्यादातर खरगोश इसी वजह से पानी नहीं पीते हैं, और इसकी वजह होती है खरगोश के पानी का बर्तन का गलत चुनाव करना। उसके जो पानी पीने का जो बाउल है उसे गलत चूज करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आपका बनी हर तरह के बर्तन में पानी नहीं पिएगा। अब देखिए, अब जैसे ये बाउल है, ये हल्का और छोटा बाउल है, आप इसे देखिए, आप देखिए चीकू उसे पटक रहा है, चीकू उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो खरगोश ऐसे बर्तनों में पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा चीकू ने ये बर्तन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपका बनी हर तरह के बर्तन में पानी नहीं पिएगा। बनी को पानी देने वाला बाउल भारी बेस का होना चाहिए या फिर मोटे किनारों वाला होना चाहिए, ताकि आपका बनी उसे उठाकर फेंक ना सके। ये इस तरह का बाउल होना चाहिए। आप देखेंगे चीकू उसे उठाकर नहीं फेंक पाएगा। चीकू, तो आपको ऐसे ही बाउल का चुनाव करना है, ऐसा ही बाउल चूज करना है जिसे आपका बनी उठाकर फेंक ना सके। अगर आप अपनी बनी को
बिल्कुल सही बाउल देंगे तो आपका बनी भी जरूर पानी पिएगा। और फ्रेंड तो ये जो बाउल है आपका किसी भी पेट शॉप से आपको ये आसानी से मिल जाएगा, तो अपने बनी के लिए आप इस तरह का बाउल लेकर आए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।